Hey guys, welcome to my channel Vivo Chemistry. आज की वीडियो में बिहार पुलिस का जो 12 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था उसका केमिस्ट्री से संबंधित पेपर वन एंड सेकेंड यानी प्रथम पाली और दूसरी पाली का हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट टू वीडियो है और अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लें फिर पार्ट टू देखें तो बेहतर होगा और समझ आएगी कि क्वेश्चन कहाँ से है। 13 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो बता दें कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है संक्षेपण, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ संक्षेपण की जगह संघनन होना चाहिए, यानी कि कहेंगे कि संघनन बहुलक का उदाहरण है, क्वेश्चन कहेंगे संघनन बहुलक का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है पीवीसी, तो पीवीसी एक सिंथेटिक बहुलक है यानी संघनक संश्लेषित बहुलक है। बी ऑप्शन टेरिलीन, टेरिलीन एक संघनक बहुलक है यानी कंडेंसेशन पॉलीमर। और सी ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलीन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और डी पॉलीस्टाइरीन, ये भी सिंथेटिक है। तो बी ऑप्शन टेरिलीन बिल्कुल सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट और फिर प्रोडक्ट है इसका ICL। तो अगर हम इसको हीट करें तो हीट करेंगे तो चलिए हम हीट का सिंबल दे देते हैं, और अगर हीट करें तो KCl बनता है। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ KCl होना चाहिए यानी पोटेशियम क्लोराइड होना चाहिए प्लस ऑक्सीजन। तो पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक यानी संख्या क्या होगा? ऑप्शन कह रहा है 6 बढ़ जाता है, बी का ऑप्शन कह रहा है 6 घट जाता है, फिर कह रहा है 4 घट जाता है, फिर कह रहा है 4 बढ़ जाता है। तो कह रहा है KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट और KCl में, तो Cl का निकालना है। तो क्या लिखते हैं KClO3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम लिखते हैं KClO3 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का यह तरीका है। क्लोरीन का निकालना है तो बाकी सबका मान रख देते हैं, पोटेशियम का प्लस वन, क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन को क्लोरीन ही लिख दें या इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो क्लोरीन लिख देते हैं। फिर प्लस ऑक्सीजन, 3 एटम है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 3 × -2 इज इक्वल टू 0। फिर +1 तो +1 प्लस Cl, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो -6, प्लस से गुणा करेंगे तो फिर -6 = 0। अब आपको क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन को इधर ही रहने देंगे, -6 है तो उधर जाएगा तो +6, फिर उधर +1 है तो -1। क्लोरीन का इस तरीके से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था होगा। अब कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन का क्या होगा, तो उसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं KCl इज इक्वल टू 0। K यानी पोटेशियम का +1 ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो रख देते हैं Cl का निकालना है, उसको 0 के बराबर कर देते हैं, Cl का वैल्यू -1। तो अब देख सकते हैं +1 से -1 हुआ है, इसका मतलब कि KClO3 में क्लोरीन का +5 और KCl में -1 आया है। तो अगर हम -1 लाना चाहते हैं तो -6 आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो -6 अगर जोड़ना पड़ेगा तो
इस तरीके से माइनस वन आएगा, तो आपका घट करके कितना हो रहा है, माइनस सिक्स। तो इसलिए बी ऑप्शन छः घट जाता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। किसी भी हाइड्रोकार्बन ईंधन के दहन से उत्पाद होते हैं, पहला CO एंड CO2, बी ऑप्शन CO2 एंड H2O, सी ऑप्शन है कार्बन एंड H2O गैस, मतलब जलवाष्प की बात हो रही है। H2O जी है तो जी का मतलब जलवाष्प या वाष्प या भाप होता है। डी ऑप्शन है सेल्युलोज एंड CO2। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग जलाते हैं ईंधन के रूप में, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री पानी को शुद्ध करने की विधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कैल्सिनेशन, ऑप्शन बी है डीसेलिनेशन, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर है, निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है, पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर अल्कोहल, फिर ईस्ट। तो एंटीबायोटिक के एट लास्ट हमेशा सीन या इन लगा होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, इस अभिक्रिया के लिए निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन है जिंक का भंजन या अपचयन हो रहा है, बी ऑप्शन है जिंक का उदासीनीकरण हो रहा है, सी ऑप्शन है जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, डी ऑप्शन है H2SO4 का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको बता दें कि जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण जब करता है, तो उस अवस्था में जिंक दो इलेक्ट्रॉन सल्फेट आयन को ट्रांसफर करता है, तब जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। तो इसलिए जो सी ऑप्शन है जिंक का ऑक्सीकरण, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पीतल एवं कांस्य मतलब कांसा, जिसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं, में कौन सा साझा तत्व है, तो कॉमन तत्व पूछ रहा है। तो पीतल में कॉपर और कांस्य यानी ब्रॉन्ज में भी कॉपर पाया जाता है, यानी दोनों ये कॉमन तत्व है, सॉरी सिंगल यानी कॉपर कॉमन तत्व है, तो इसलिए कॉपर आंसर सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला कोयला का प्रकार है, ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत सबसे ज्यादा होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नसों में विद्युत चालन यानी विद्युत धारा की बात हो रही है, विद्युत चालन किस तत्व के कारण होता है। तो आपको बता दें कि नसों में ब्लड होता है और ब्लड आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसलिए आयरन के कारण ही विद्युत चालन होता है नसों में, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, समीकरण KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, फिर YKCl और ZO2, XYZ यहाँ गुणज है
यानी मल्टीपल है और इसमें से आपको इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो ऑप्शन, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ऑप्शन ही आप रख करके चेक कर लें। जैसे पोटेशियम क्लोरेट के पहले एक्स की जगह अगर दो रखें तो पोटेशियम 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। फिर केसीएल में वाई की जगह दो रखें तो पोटेशियम 2 हो जाएगा, फिर क्लोरीन 2 हो जाएगा। अगर जेड की जगह 3 रखें तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों तरफ पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 6 हो रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका 2 2 3 वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब मिलान जो किया गया है ये एक इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। एक तरफ है खनन, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र। पहला ऑप्शन है तांबा, तो तांबा खेतड़ी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये सही है ऑप्शन। बी ऑप्शन है लौह अयस्क, ये मोरिजा बानोल, ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है सीसा एवं जस्ता, जावर माइन राजस्थान में ही पाया जाता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन टंगस्टन पलाना ये गलत आंसर होगा। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन आपका गलत आंसर, यानी आप कह सकते हो क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं। तो चलिए मिलते हैं थैंक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग। में।